side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on स्टूडेंट्स के डाउट आते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भैया ग्रुप डी के बारे में तो बात करते हो, कभी एएलपी के बारे में बात नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आज हम लोग हैं यहां पे एक रनिंग रूम में। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह की क्या क्या फैसिलिटीज लोको पायलट और एएलपीज और गार्ड को मिलती हैं। तो ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप यहां पे, अभी मैं बैक कैमरे से आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो आप लोग उस चीज़ में देखना कि जो भी चीज़ें हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इन लोगों को मिलती हैं। और जब आप लोगों को पता है कि ये सब कब होता है, जब ये लोग आउट स्टेशन, मतलब जैसे इनका हेडक्वार्टर है, किसी बंदे का हेडक्वार्टर मान लो आगरा है और वो चल के झांसी तक जाते हैं, तो झांसी में जहाँ पे उन्हें रुकना है तो रुकने के लिए रूम फैसिलिटी दी जाती है, खाना वगैरह दिया जाता है, सारी चीज़ें। तो वो इस तरह के रूम्स बने होते हैं और इन रूम्स में क्या क्या अवेलेबल होता है, कैसी चीज़ें हैं। तो अब मैं बैक कैमरे ऑन करने वाला हूँ और आप लोगों को इसकी बिल्डिंग से रिलेटेड और अंदर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। मैं कंप्लीट टूर कराने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं अंदर भी देखते हैं। फिर चलिए आइए, फिर अब दिखाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि अभी बैक कैमरे से दिखाएंगे, तो अब अंदर चलते हैं कि कैसी कैसी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी अगर आप सेलेक्ट होके आते हो यहाँ पे, और किस तरह की क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं ये देख सकते हैं आप यहाँ। ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को भी चांस मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मैसेजेस करते रहते हैं कि भैया बताया जाए, कुछ ना कुछ तो बताओ कम से कम, तो लो आज एएलपी से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया था, अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ। हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये इनके रूम्स हैं। और अभी क्या है, जैसे मैं जा रहा था तो इन्होंने बोला कि सर आप अभी मत जाइए क्योंकि रात के जो है 9 बज चुके हैं, तो अगर आप अभी जाएंगे, हम लोगों को परमिशन नहीं है कि रात के 9 बजे कोई बाहर जाए। तो आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट की कि सर, आप लोगों के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट की गई कि भाई स्टूडेंट्स को तो दिखाना ही है कि कैसे कैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। देखो पहले आप बाहर का व्यू देख लो, ये सारा व्यू इसके बाहर का है और ये किचन का है, अंदर देख सकते हैं, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे कैंटीन है, किचन भी यहीं है। और ये रहा देखिए यहाँ पे, जैसे ही हमने एंटर किया, ये देख सकते हैं आप, ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे देखिए सर बैठे हैं वहाँ, और यहाँ पे आप बैठ के अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जो भी आप लोगों को करना है। इसके अलावा ये पूरी चीज़ दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं कि योग कक्ष बनाया गया है, ठीक है, एक योग कक्ष है। और यहाँ पे एक रीडिंग रूम भी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये अभी टेम्परेरी क्लोज्ड है, किसकी वजह से आप लोगों को पता है, कोरोना की वजह से।
और ये देख सकते हैं रूम फैसिलिटी वगैरह। अभी मैं दिखाता हूँ रूम में चल के, जो रूम अलॉट हो रखा है उसमें किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल ये देख सकते हैं, अभी कैंटीन का है ये, ठीक है। तो कैंटीन का तो मैं पहले ही दिखा चुका था, तो चलिए चलते हैं फिर ऊपर, और जल्दी से चल लेते हैं ऊपर और फिर दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो रूम है, जिस रूम में हमको अलॉट हो रखा है एक रूम, तो वो जो रूम है वो है सेकंड फ्लोर पे। तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरह की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। चलिए फिर, फ़िलहाल क्या है, दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो इस वजह से धीरे बोलना पड़ रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखो पानी वगैरह के लिए है उधर सेकंड फ्लोर पे। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह की रूम में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए फिर चलते हैं रूम में। ये वाला जो रूम है आप लोग देख सकते हैं, हम इस रूम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इस रूम में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि दो बेड हैं प्लस एक एसी है और एक फ़ैन है, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए आप, यहाँ पे एक सीनरी ये लगी है और एक ये लगी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घड़ी भी है और हीटर ब्लोअर, वो सारी चीज़ें तो बात की हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो बेड हैं, ये आपको ना इस पे से कुछ करना है ना बिछाना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, कोई भी क्रू जैसे ही आएगा तो उसके लिए केयर टेकर आएगा और वो आके इस पे चादर भी बिछा के जाएगा और कंबल वगैरह दे के जाएगा। सारे जो काम होंगे वो खुद से करेगा, आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ विंडो है और ये मिरर है। अभी इसके अलावा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई क्रू, मतलब एक क्रू दूसरे क्रू से जो है डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये एक स्टडी लैंप मान लो या जो भी मानो आप, ठीक है, ये चीज़ दी गई है। और ये एडजस्टेबल होता है, इसे आप ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, जैसा आपका मन करता है वैसे आप इस चीज़ को रख सकते हो, मतलब दूसरा क्रू आपकी वजह से परेशान ना हो। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये मच्छरदानी है, और ये जो चार डंडे दिख रहे हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये चार डंडे किस लिए दे रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं ये मच्छरदानी के लिए यहाँ पे इसका किया गया है बंदोबस्त कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, ये वाली चीज़ हो गई। इसके अलावा एक ये देखिए यहाँ पे लगा है, तो रूम मतलब काफ़ी ठीक ठाक है। देखिए आप यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे एक विंडो है जो एडजस्टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो यहाँ से बाहर का व्यू क्या है, तो ये इसके बाहर का व्यू है। और इसके अलावा अगर बालकनी में चलते हैं, एक विंडो ये दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग चल रहे हैं अब बालकनी में, जो आपने रूम देखा जैसे ये था, तो एक तो डोर वो है, और इसके अलावा जो बालकनी में रूम का जो डोर खुलता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये चेयर पड़ी हुई है, और अब आ गए हैं हम बालकनी में, तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक छोटी सी पार्किंग दे रखी है, इधर स्टेशन है, और ये देखिए ये सारी जो उनको मिलती हैं जो थक हार के आते हैं, तो अपनी ड्यूटी ऑफ करने के बाद वो यहाँ पे ठहरते हैं। और फिर इसके बाद जो किचन की फैसिलिटी है वो आप लोगों को मैंने दिखाई होगी या अभी आगे वीडियो में दिखा दी जाएगी कि किस तरह से किचन में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। ये एक टेबल है, दो चेयर रहती हैं, फिलहाल यहाँ पे एक चेयर है, शायद ना हो, रूम में नहीं है। तो ये वाली चीज़ें आपने देख ली, देखो एक बेड ये सिंगल बेड, और ये जो चीज़ है ये यहाँ कपड़े टांगने के लिए दे रखा है, और ये अपना जो भी इम्पोर्टेंट सामान है इसमें आप रख सकते हो, ठीक है। ये गोदरेज की यहाँ पे एक अलमीरा दे रखी। इसके अलावा मैं एक बार आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए ये यहाँ से, अभी इसके ऊपर एक फ्लोर और है, तो ये हम दिखा देते हैं बाहर का व्यू। ये यहाँ पे पानी की फैसिलिटी है, आप लोग देख सकते हैं, अगर किसी के पास पानी वगैरह नहीं है तो पानी यहाँ से वो ले सकते हैं। ये आपका बाहर का व्यू है, देख सकते हैं आप, वहाँ तक ये चीज़ें हो गई, और इधर देखिए ये आपका बाहर का व्यू है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़िलहाल तो, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इधर मैंने बताया था आप लोगों को जैसे कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपके जो टॉयलेट है, बाथरूम वगैरह है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सारी जो चीज़ें हैं। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको जल्दी से कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब इन्होंने पूरी तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग चाहते हों कि क्रू जो है परेशान रहे। इंडियन रेलवे ने पूरी फैसिलिटी दे रखी है बहुत अच्छे से। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे गीज़र की फैसिलिटी भी है, आप लोग गर्म से नहाना चाहते हैं गर्म से नहाइए,
और इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है यहाँ पे, जिम की फैसिलिटी भी है, ठीक है, जिम की फैसिलिटी भी होती है अगर आप जिमिंग करना चाहते हैं या मतलब आपको पसंद है। ये आपके बाथरूम है, यहाँ पे आपके टॉयलेट्स वगैरह दिए गए हैं, और अगर यहाँ पे देखें तो उस साइड भी इसी तरह के फैसिलिटी दी गई है जैसी इस साइड दी गई है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ का, और आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होने नहीं देता है। तो आई होप कि आप लोग बहुत जल्दी यहाँ पे आएंगे, और जितनी वैकेंसीज़ हैं आगे उम्मीद तो है कि एलपी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। और फिलहाल तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिएगा, क्योंकि ग्रुप डी की जिसने तैयारी कर ली उसका मैक्सिमम पोर्शन तो तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि उसके सिलेबस में जो मेन पोर्शन है साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, वो वहीं से कवर हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और पढ़ाई करते रहोगे। तो एक बार और दिखा देते हैं आपको, नीचे चलते हैं, तो ये देख सकते हैं आप हम चल रहे हैं नीचे, अगर हम आगे ग्राउंड फ्लोर पे, और ये देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये इधर का व्यू है, ठीक है, ये जो व्यू है वो यहाँ का है, ठीक है गाइज। यहाँ पे अगर देखें तो देखो यहाँ पे एक रूम है योग कक्ष, ये योग कक्ष है देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रीडिंग रूम भी दिया गया है, ये देखिए, ठीक है, महिलाओं के लिए उधर दिया गया है अलग से जो टॉयलेट वगैरह है, और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आप लोगों को मिल गई हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो गाइस ये बाहर का था, तो ओवरऑल जो है हम लोग देख चुके हैं कि क्या चीज़ें थीं, कैसे था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स होंगी, और आई होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें और फिर यहाँ भी आएँ, आराम से घूमें, और सारी चीज़ें जितनी भी आप लोगों के ड्रीम्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर पूरे होने चाहिए। और बाकी लगे रहिए, जितनी भी चीज़ें हैं होती रहेंगी। धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं तेज़ बोलने से, तो इसलिए यहाँ पर तेज़ बोला भी नहीं जा सकता है। तो बस ये कम्प्लीट करते हैं यहाँ पर ब्लॉग वगैरह, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों के ज़रूर से ज़रूर आंसर भी दूंगा और उन पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो वो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को वीडियो मिलेंगी। एसी वगैरह सब लगी हुई हैं, लगभग ऐसा मान के चलिए कि 3-स्टार होटल जैसी एक फैसिलिटी मिलती है, खाना भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, आप लोगों को पता है 3.5 रुपये में कौन खाना क्या मिलता है, ठीक है, जो यहाँ पे इतना अच्छा खाना ये लोग दे देते हैं, ठीक है। फिर तो एक बार आप देख लीजिए इसका एंट्रेंस भी, कितना VIP एंट्रेंस दे रखा है, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि बहुत जगह पे इससे भी अच्छे अच्छे रनिंग रूम बने हुए हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आप लोग बने रहिएगा, और अगर कुछ चीज़ें आगे डालनी होंगी तो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा।